नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। कांग्रेस चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की पत्रकार वार्ता। भाजपा सरकार में हुए सबसे ज्यादा घोटाले। समर्थन मूल्य छुपाकर किसानों की योजनाओं पर लगाया ताला। शिवराज सरकार के 18 साल को दमनकारी किसान विरोधी के रूप में प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा। भाजपा और शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया। किसान की लागत से कम MSP कम होने पर शिवराज बजाते हैं तालियां। किसानों के साथ किया धोखा। किसानों को समर्थन मूल्य पर नहीं मिल रही फसल। केंद्रीय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की घोषणा करती है और राज्य सरकार फसलों को आधे दाम में खरीद रही है। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। 30 योजनाओं में से 19 योजनाओं में शिवराज सरकार ने किसान कल्याण योजना में नहीं दिया एक पैसा। किसान परिवार की आय 277 रुपए प्रतिदिन किसान सम्मान निधि बनी अपमान निधि। भाजपा ने कई किसानों का नाम सम्मान निधि से हटा दिया। प्रदेश में अब 8,57,203 किसानों को नहीं मिलेगा सम्मान निधि का पैसा। PM और CM किसान को जवाब दे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा के बयान पर किया पलटवार। कहा, प्रभु श्री राम भाजपाइयों को दे सद्बुद्धि। भगवान श्री राम आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। राम दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। शोले फिल्म की एंट्री हुई इस चुनाव में। शोले फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ जैसी दोस्ती है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। गब्बर सिंह ने कई बार तोड़ने का प्रयास किया। गब्बर सिंह कभी नहीं हुआ तोड़ने में सफल। भोपाल से ब्यूरो प्रमुख आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्थानी के चलते, भाजपा की कारस्थानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति। 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्थानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी, ये है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी, डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, GST, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा, भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपये का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2,15,00,000 किसान कम हो गए, क्योंकि हमने पूछा, भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते। तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान, उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए, तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम,
तो 9 लाख यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे, और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों की। इसके विपरीत किसान ने हमेशा यह कहा है कि उसे स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप कीमत मिले, यानी C2+50%। कांग्रेस ने यह वचन दिया है, वे किसानों को गेहूं के मूल्य का 2600 रुपया और धान का 2500 रुपए देंगे, जो आप मेरा चार्ट भी देख लें तो C2+50% से ज्यादा है, और हम इसे 3000 रुपया तक लेकर जाएंगे। दूसरा वचन हमने यह भी दिया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के 5 हॉर्स पावर तक जिनकी मोटर है उनका सिंचाई का कोई बिल नहीं आएगा। तो एक तरफ रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस के का वचन, कांग्रेस की गारंटी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी बातों का जवाब मध्य प्रदेश के किसान को अवश्य देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, खेत मजदूर प्रधान प्रदेश है, और वो जवाब मांगता है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, मैं आप सबको, आपके दर्शकों और पाठकों को आज महर्षि वाल्मीकि जी की का प्रकट दिवस है, उनकी जयंती है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। कोई प्रश्न आपके साथ? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।